रूस की अमेरिका को बड़ी चेतावनी। अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया तो चुप नहीं बैठेंगे, ये कहा है रूस ने। अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो हम जवाब देने को मजबूर। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में रूस की बहुत बड़ी चेतावनी। क्या परमाणु युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया? क्या रूस अब परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है? ये सवाल उठा है रूस की उस चेतावनी के बाद जिसके निशाने पर अब अमेरिका है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर रूस ने दो टूक कह दिया है, जो अमेरिका ने उकसाया तो परमाणु परीक्षण होकर रहेगा। रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रवकॉव ने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में कहा कि अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण करेगा तो रूस को भी जवाब देने का अधिकार है, हम चुपचाप ये होते नहीं देख सकते। रवकॉव ने परमाणु हथियार पर वैश्विक प्रतिबंध की पुष्टि करने में विफलता के लिए अमेरिका को दोषी ठहराया है और पुतिन की चेतावनी को दोहराते हुए कहा कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो मॉस्को परमाणु परीक्षण फिर से शुरू करेगा। रवकॉव ने यूनाइटेड नेशन के मंच पर कहा कि यूक्रेन के पश्चिमी देशों का समर्थन बढ़ने से परमाणु शक्ति के बीच खुला संघर्ष शुरू हो सकता है। रूस ने अमेरिका और उनके सहयोगी देशों के हाइब्रिड युद्ध में मॉस्को के खिलाफ खुली घोषणाओं की भी निंदा की है। रूस के चेतावनी को हल्के में लेने की भूल नहीं की जा सकती, क्योंकि अब ये बड़े मंच पर भी परमाणु हथियार की बात खोलकर की जा रही है।